महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट खेलने का अंदाज तो आपने देखा ही है। क्रिकेट के साथ साथ धोनी को बाइक्स का भी शौक है और ये बात भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको धोनी की पहली बाइक के बारे में पता है? क्या आप धोनी की बाइक्स के कलेक्शन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको धोनी की पहली पसंद यानी कि फेवरेट बाइक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार जो टू व्हीलर खरीदा था वो थी राजदूत यामाहा RE 350, राजदूत के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद धोनी ने साथ पकड़ा TVS सुजुकी शोगुन का और धोनी ने इस बाइक की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। इस बाइक में 108.2 सीसी का दो स्ट्रोक वाला इंजन लगा था। इसके बाद बारी आती है धोनी की वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन बाइक की, जो थी कावासाकी निंजा H2। ये बाइक उनकी सुपर बाइक कलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। इस बाइक में 998 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन लगा था, जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए थी। धोनी का अफेक्शन बाइक्स के लिए कभी कम नहीं हुआ और इस शौक के चलते उन्होंने अपनी अगली बाइक खरीदी, जो थी कॉन्फिडरेट X132 हेलकैट, और ये दुनिया की रेयरेस्ट बाइक्स में से एक है। इस बाइक की दुनिया भर में केवल 150 यूनिट्स हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ये टू व्हीलर केवल महेंद्र सिंह धोनी के ही पास है। महेंद्र सिंह धोनी की बाइक कलेक्शन में अगला नाम हार्ले डेविडसन फैट बॉय का है। इस बाइक में 1690 सीसी का इंजन दिया गया है और जो 65 BHP की पावर रखता है। धोनी को इस टू व्हीलर को कई बार रांची में चलाते हुए भी देखा गया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।